बिल्कुल सुपर टेस्टी, क्रीमी और एकदम ही कलरफुल, बिल्कुल ठंडा ठंडा और बिल्कुल मार्केट जैसा फालूदा बनकर तैयार हुआ है घर में, बिल्कुल घर की चीज़ों से और वो भी बहुत ज़्यादा किफ़ायती दाम में। तो जब बच्चे घर में रहते हैं, यानी कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और थोड़े दिन में बच्चे जब घर में ही रहेंगे तो उन्हें तो दिन भर चाहिए कुछ ना कुछ ठंडा खाने या पीने को, तो उसमें ये रेसिपी आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प करेगी ना और बच्चों को इतनी पसंद आएगी और इससे उनका पेट है ना काफी देर तक भरा हुआ रहेगा। और ये बना के तैयार करेंगे आप बिल्कुल घर की चीजों से और वो भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो देखिए, देखकर आ रहा है ना मुंह में पानी, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ली है मैंने सेमई। अब ये मैंने कितनी ली है, मैंने एक पैकेट में से आधी सेमई मैंने यहाँ पर यूज करी है। तो ये हमने रोस्टेड सेवई का यूज़ किया है, बिल्कुल बारीक वाली सेवई का यूज़ कीजिएगा और वो भी रोस्टेड। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको रोस्ट नहीं करना पड़ेगा और उसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ हम इसमें डाल देंगे 2 कप दूध। अगर आप रोस्टेड सेवई नहीं लेते हैं ना तो आपको उन्हें रोस्ट करना होगा और रोस्ट करने में सेवई थोड़ी सी टूट भी जाती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये गोल्डन वाली यानी रोस्टेड सेवई का यूज़ किया है। इसमें हमने फुल क्रीम दूध डाला है, 2 कप फुल क्रीम दूध डालना है आपको। इसके बाद अब इसको चढ़ा दिया है गैस पर और इसे पकाना है हमें इसे तब तक जब तक कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए। तो देखिए, हमने सेवई को तोड़ा नहीं था तो कितने बहुत अच्छे से लंबे लंबे लच्छे तैयार हुए। अब इसमें मैंने यहाँ 1/2 कप से थोड़ी कम चीनी डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए जितना मीठा आपको खाना है। वो क्लिप मुझसे मिस हो गई। और यहाँ पर हम अब इसमें डालेंगे, ये मैंने लिया है एक जुगाड़ किया है कस्टर्ड बनाने का, तो मैंने लिया है 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लोर जो भी घर में अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा कलर, तो कॉर्न स्टार्च हमारे दूध को कस्टर्ड वाला गाढ़ापन देगा और कलर से हमारे दूध में काफ़ी बढ़िया सा कस्टर्ड वाला कलर आएगा। अगर जिस कलर का आपको कस्टर्ड बनाना है, स्ट्रॉबेरी बनाना है, तो वो वाला कलर डाल दीजिए। मुझे यहाँ पर वनीला कस्टर्ड बनाना था तो मैंने केसरिया रंग डाला है इसके अंदर। ये काफ़ी बढ़िया सा जुगाड़ है कस्टर्ड बनाने का, तो कलर तो होता ही है घर में और कॉर्न फ्लोर भी अधिकतर घर में सभी के मिल ही जाते है आजकल। तो ये देखिए, 1 चम्मच हमने लिया था और उसकी हमने काफी अच्छी सी बढ़िया सी स्लरी बना ली है और अब हम इसको दूध में डाल देंगे। सेमई हमारी पक चुकी है, बस अब हमें क्या करना है, दूध को सिर्फ गाढ़ा करना है। अब हमने उसका टेक्सचर तो दे दिया, लेकिन टेस्ट लाने के लिए क्या करेंगे, तो कस्टर्ड का टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें डालूंगी कुछ बूंद वनीला एसेंस की, क्योंकि हम केक वगैरह बनाते हैं ना घर में तो वनीला एसेंस तो होता ही है और जनरली ये हर जगह मिल जाता है और काफी सस्ता भी, इसकी छोटी जो शीशी होती है काफी सस्ती मिल जाती है। तो ये देखिए, अब हमारा एक जुगाड़ वाला कस्टर्ड हो गया है बनकर तैयार। आपको इसका प्रीमिक्स बनाकर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कस्टर्ड भी बनाना चाहते हैं ना तो इसी तरीके से आप कभी भी कस्टर्ड बना सकते हैं। अब हमने इसको बंद कर दिया है, काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा ना तो फिर आपको फालूदा में दूध भी डालना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद एक बोल में ट्रांसफ़र कर दूंगी, क्योंकि गरम गरम ही हमको इसको ट्रांसफ़र नहीं करना है वरना ऊपर पपड़ी जम जाएगी। और इसको ढककर रख देंगे हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में। तो मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। उसके तब तक हम क्या करेंगे, दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको फ्रिज में रखना है और हम यहाँ पर एक छोटा बोल लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच चिया सीड्स, यानी जो सब्जा के बीज होते हैं। ये गर्मी में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक्स वगैरह में यूज़ करे जाते हैं, फालूदा में तो ये डाले ही जाते हैं। ये हमारे शरीर को बिल्कुल भयंकर गर्मी में ठंडी तासीर के होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ठंडक देते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो इन्हें हम एक साइड छोड़ देंगे। अब 1 घंटा हो चुका है, हमारे जो ये सब्जा के बीज हैं ये भी काफ़ी अच्छे से फूल चुके हैं और हमारा जो कस्टर्ड है ना वो भी बहुत अच्छा सा बिल्कुल क्रीमी और बहुत ही अच्छा ठंडा हो चुका है। बस ये 2 तैयारी करके रखना है, फिर जब दिल करे, आपको जब चाहे, जब आप अपने फालूदा को असेंबल कीजिए। तो मैंने ले लिया है एक बड़ा सा गिलास, क्योंकि हमें खूब सारा मटेरियल डालना है। रोज सिरप डालेंगे इसके सबसे नीचे, फिर उसमें डालेंगे फालूदा के बीज जो चिया सीड्स होते हैं वो, और फिर डाल देंगे कस्टर्ड। और मेरे पास कुछ जेलीज रखी हुई थी, यानी कि अगर आपके पास जेली नहीं है ना तो बाजार में जो जेली वाली जो चॉकलेट्स वगैरह मिलती है ना छोटा छोटा बारीक कट करके, उसको भी डाल सकते हैं। और मैंने वनीला वाला फ्लेवर बनाया है तो वनीला आइसक्रीम डाली है और जेली है, उनको छोटा छोटा सा कट करके थोड़ी सी कलरफुल बनाने के लिए इसमें डाल दी है ऊपर से थोड़े से बादाम कटे हुए और एक चेरी।
देखिए बिल्कुल कोई कह सकता है कि हमने इसको घर में बनाया है, कितना लग रहा है कलरफुल ब्यूटीफुल और खाने में उतना क्रीमी और उतना यमी। अगर आप ये एक गिलास खा लेंगे ना तो आप काफ़ी देर तक खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि इतना हैवी और इतना रिच होता है। तो बच्चों को इस गर्मी में बिल्कुल बना कर दीजिए किफ़ायती दाम में। हम बाज़ार में एक व्यक्ति जो खा कर आएगा ना उसी कीमत में हम पूरा घर ये फालूदा बनाकर खा सकता है, वो भी रोज़ रोज़। तो द फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और अगर आप चैनल पर नए नहीं हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।